ये देखिए इसको भी मैंने निकाल लिया है। ये स्टीम वाला तो बहुत ही हेल्दी है। तो सबसे पहले अंडे की इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पर अंडा बॉईल करके रख दिया है। और जो मेन चीज़ है इस रेसिपी का वो है पम्पकिन लीव्स। तो सबसे पहले मैं अंडे को साइड में कर लेती हूँ। और अभी ये सारे पम्पकिन लीव्स को मैं नमक से इसको थोड़ा सा मैरिनेट करके रख दूंगी ताकि ये पम्पकिन लीव्स एकदम सॉफ्ट हो जाए। अच्छी तरह से हाथों से इस तरह से नमक को लगा के रख दूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। इस तरह से सारे लीव्स को एक जगह पर रख दूंगी। देखिए अभी सॉफ्ट हो गया। इस ये देखिए ये एकदम सॉफ्ट हो गया। अभी इसको अच्छी तरह से दोनों हाथों से इसका सारा पानी मैं स्कूच कर लेती हूँ। ये कितना सारा पानी निकला है। इसको खोल करके मैं एक साइड में कर देती हूँ। और सेकंड थिंग, मैंने तो यहाँ पर अंडा बॉईल करके रख दिया है और यहाँ पर ले लिया है मैंने पॉपी सीड्स और मस्टर्ड सीड्स और थोड़ा सा ग्रीन चिलीज और यहाँ पर है अनियन। इस सारे चीज़ों को मैं एक साथ में पेस्ट कर लूँगी। इसको पेस्ट कर लेती हूँ। इसको एक बोल पर निकाल लेती हूँ। अभी इसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट, एकदम थोड़ा हल्दी पाउडर, जस्ट 1 पिंच, सॉल्ट, नमक थोड़ा सा कम यूज़ करूँगी क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले जो पम्पकिन का लीव्स था उसमें मैंने नमक का इस्तेमाल किया था। अभी सारे मसालों को एक साथ में मिला लूँगी और अभी इसमें जाएगा मस्टर्ड ऑयल। इस रेसिपी के लिए मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ कीजिएगा। ऑयल को भी अच्छी तरह से मिला लूंगी। अभी पम्पकिन लीव्स को अच्छी तरह से स्प्रेड करके इसके ऊपर मैंने जो मसाला तैयार किया उसको दे दूंगी इस तरह से। और एक 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 रख दूंगी ऊपर से एक के ऊपर और थोड़ा सा मसाला देकर इस तरह से फोल्ड कर दूंगी एक छोटा सा पाउच की तरह। इसको फोल्ड कर दूंगी। बस ये हो गया तैयार। इस तरह से मैं सारी तैयार कर लूंगी। मैंने यहाँ पर ये 5 बना लिया है। टिक्की के साइज़ का है, टिक्की जैसा है। अभी मैं आपको सेम रेसिपी 2 स्टाइल में दिखाऊंगी, वो भी एक साथ में। एक है बॉइलिंग प्रोसेस से, यानी डबल बॉइलिंग के प्रोसेस से, और एक है फ्राई। एक साइड पे मैंने पैन गरम कर लिया है। यहाँ पर दिया है थोड़ा सा पानी और इस तरह का एक स्टैंड जैसा दे दिया है। और दूसरे साइड पे और एक मैंने फ्राइंग पैन रख दिया है, उसमें मैं दे दूंगी थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल।
क्योंकि इसको फ्राई करना है। और यहाँ पर मैंने बॉइलिंग के लिए, डबल बॉइलिंग का जो प्रोसेस है उसके लिए मैंने इस तरह का एक पैन ले लिया है, पैन नहीं इस तरह का एक बोल ले लिया है। इसमें मैं दो बनाऊंगी, ये बहुत ही हेल्दी है। और यहाँ पर मेरा पानी भी गर्म हो चुका है, इसको अभी इसमें सेट कर लिया है और ऊपर से एक लीड लगा दूंगी। ऑयल में थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ऑयल गर्म हो चुका है, इस तरह से देखकर फ्राई कर लूंगी अच्छी तरह से। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल दे दूंगी, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल का जो एक कच्चा स्मेल होता है वो इस रेसिपी के लिए बहुत अच्छा है। अभी इसको एक बार टर्न कर देती हूँ। ये देखिए, एक साइड से लगभग 80% हो चुका है, थोड़ा सा रेडिश रेडिश हो गया है। अभी दूसरे साइड से होना बाकी है। और यहाँ पर ये भी थोड़ा बहुत हो चुका है, और भी होना बाकी है। ये हो चुका है, अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये एक यूनिक सा रेसिपी है, मैंने एक और एक का यूनिक रेसिपी बनाया है, उसका लिंक मैं ऊपर दिए गए आई बटन में दे दूँगी, आप उसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो डबल बॉइलिंग मैंने जो किया है वो अभी तक नहीं हुआ है, और थोड़ा सा और टाइम लगेगा होने में। और इस साइड पर ये भी हो चुका है, इसको मैं अभी निकाल लेती हूँ। ये देखिए, इसको भी मैंने निकाल लिया है। ये स्टीम वाला तो बहुत ही हेल्दी है। अगर आपको आज का ये मेरा ये यूनिक सा रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।